आज जो है DPTC और 20 पॉइंट प्रोग्राम की जो है पहली मीटिंग यहाँ पे हुई है, इस सरकार की पहली मीटिंग यहाँ पे हुई है और ये करीबन 20 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। सभी नॉन ऑफिशियल मेंबर से भी सुझाव भी लिए गए और क्या क्या इन्होंने डिपार्टमेंट्स ने टारगेट अचीव कितने परसेंट किए हैं उसकी रिव्यू करी गई है, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं और मैं समझता हूँ हर तिमाही में जो है ये क्वार्टरली जो है मीटिंग होनी चाहिए। देखिए अभी तो सेफ सीजन चल रहा है, एक्चुअली इसमें जितने भी जो गाइडलाइंस बनाई हैं इसमें कितने टारगेट इन्होंने अचीव करे उसके बारे में है। टारगेट्स SC पॉपुलेशन की, ST का, ST के कितने हाउसिंग दिया है, क्या बजट एलोकेशन है, ये सब कुछ जो है दिया गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है मैं समझता हूँ। मैंने उपायुक्त महोदय से पूरी बात करी है, अगली बारी थोड़ा सा जो है ब्रॉडर व्यू में कितने नेट की पेंडेंसी है, हेल नेट की, कितनी दवाइयाँ कहीं पहुँची हैं कि नहीं पहुँची, PHC में क्या मशीनरी है, क्या रह गई है, तो ये भी मैंने बोला सब कुछ इंक्लूड करके अगली बारी हम लाएंगे और ताकि एक ब्रॉडर व्यू में हम लोग जो डिस्कशन भी कर सकें और कोई बढ़िया हाल निकल सके। देखिए प्रदेश में 97% जो है हाजिरी जो है ऑनलाइन लग रही है, इक्का दुक्का को छोड़ के, क्योंकि इसमें पहले जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कईयों ने विरोध किया है, पर अभी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन जो है मामला चल रहा है। हालांकि ये मुद्दा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमने उठाया था, एक दूर दराज के इलाके थे, पर अब हर जगह नेट का कनेक्शन है और बिल्कुल ठीक चल रहा है सर। और ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींच ला के अपने घर से भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए जो पेंडिंग वर्क्स की बात हम कर रहे हैं या अनस्पेंट मनी जो ब्लॉक्स में पड़ा हुआ है उसका डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी खुद रिव्यू लिया है कौन से ब्लॉक में कितने पेंडेंसी है, कुछ काम हो चुके हैं पर उसका UC नहीं आया, तो सभी वीडियोज भी यहाँ पे मौजूद थे, उनको भी निर्देश दिए हैं कि फटाफट जल्द से UCs लेके विभाग में जमा करें। थैंक यू।